आपल्या निवडणूक लागल्यानंतर पहिलीच प्रचार सभा माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांची आणि प्रचाराचा नारळ सुद्धा आज या ठिकाणी वाढवला गेलेला आहे। आणि आज या ठिकाणी उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचं आपल्या सर्वांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो। व्यासपीठावर उपस्थित भाजपा, शिवसेना, रिपाई, राष्ट्रवादी सर्व सन्माननीय पदाधिकारी आणि त्याचबरोबर आपल्या वसाहतीतील सुद्धा मान्यवर आणि त्याचबरोबर आपल्या विभागातील आज हजारोंच्या संख्येने उपस्थित सर्वच आपल्या विभागातील नागरिक बंधू आणि भगिनींनो सर्वांना नमस्कार। सभी को राम राम सा, घडा घडा राम राम सा। साहब आए पहली बार अपने टकरप्पा कॉलोनी में, तो साहब का स्वागत भी अच्छा होना चाहिए, बराबर ना? आपकी सबकी मांग थी कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब अपने टकरप्पा कॉलोनी में आना चाहिए, तो ये वादा आपका शिंदे साहब ने पूरा कर दिया। शिंदे साहब आज यहाँ पे मुंबई में पहली प्रचार सभा आपके साहब टकरप्पा में ले रहे हैं। आज अपने कुर्ला विधानसभा में 10 वर्षों से साहब एक नंबर से इकड़े प्रभाग जो आपला है साहब 151 चा हा संपूर्णपणे प्रत्येक दोन्ही विधानसभा निवडणुकीमध्ये मला एक नंबरची मत या विभागात मिळालेली आहेत आणि सातत्याने माझ्यावरती प्रेम केलेला हा विभाग हा संपूर्ण आपला राजस्थानी सर्व यूपी समाज, आमचे तामिळ बांधव, तेलुगू बांधव, मराठी बांधव, आमचा आंबेडकरी समाज, मुस्लिम समाज सर्व एकोप्याने आज या ठिकाणी राहत आहेत। साहेब यांचा मुख्य धंदा चर्मोद्योगाचा आहे। चर्मोद्योग हा त्यांचा जवळजवळ 50,000 वरती या ठिकाणी कारागीर आहेत, मजूर आहेत। आणि यांची आता एकच माझं एक स्वप्न आहे या ठिकाणी की हा खरा सर्वांचा पुनर्विकासाचं धोरण आज या ठिकाणी राबवणं गरजेचं आहे आणि सर्वांना एक कमर्शियल आणि एक रेसिडेंट असं एक संकुल आज या ठिकाणी उभारणं फार आवश्यक आहे। आपले नवतरुण जे या विभागातले आहेत त्यांना एक त्यांच्या उद्योगांना चालना देण्याची गरज आहे। बाकी या विभागातली जी काही कामं आहेत ती आपल्या समोर आहेतच। सर्वच कामं आपण जवळजवळ सर्वच रस्ते साहेब सिमेंटचे घेतलेले आहेत, अर्धे झालेले आहेत, अर्धे आता बाकी आहेत, ते पण सुरू होत आहे आता। आणि त्याच्यावर हा मुख्य रस्ता असेल, त्याचबरोबर गोदरेज कॉलनीमधले सर्व रस्ते, सहकार नगरमधील सर्व रस्ते, आपलं बसंतनगर, पालघर, उधर के भी सब सिमेंट कॉन्क्रीट करण के रस्ते अभी शुरू होने वाले है। बहुत सारे काम है आपकी तरफ से, तो सिर्फ एक ही जो भी रहेगा काम उसके लिए आप सभी प्रेम से कहते हैं कि हमें सिर्फ काम चाहिए। और दूसरा, हमारा सब महिला वर्ग आज बहुत संख्या से उपस्थित है, उनका एक ही कहना है कि हमें सुरक्षित यहाँ पे चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सुरक्षा चाहिए। और उस सुरक्षा देने के लिए शिंदे सरकार कटिबद्ध है। आज यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, माननीय शिंदे साहब की और दो सभा है, उधर भी उन्हें जाना है। पहली सभा अपने पास यहाँ से शुरू हुई है, आज यहाँ सर्व लाड़के बहनी सुधा है, सब लाडले बहने हैं, आज आपके लाडले भाई भी आपके सामने हैं और इसके बारे में जरूर वो कहेंगे कि कैसे अभी कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये योजना बंद होगी, लेकिन शिंदे साहब उसको उत्तर देंगे कि योजना का आगे क्या होने वाला है, क्योंकि शिंदे साहब जब तलक है तब तलक ये योजना कभी बंद नहीं होगी, उल्टा बढ़ती जाएगी। तो आप सभी का प्रेम सभी है, सभी उत्साह वातावरण पूर्ण में आज यहाँ पे वार्ड नंबर 151 से सभी सिर्फ एक आवाज में सब लोग आज यहाँ पे आए हैं। कुछ प्रचार नहीं किया, होर्डिंग नहीं, बैनर नहीं, लेकिन आप सभी यहाँ पे आए, सभी का स्वागत करता हूँ तहे दिल से। और सभी मंच पर उपस्थित हमारे सभी मान्यवर, सभी का भी नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।